नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम आर पार में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मेरे टॉपिक को। मैं डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों एसी थ्योरी में, हम आपको बताएंगे दोस्तों आपका कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में। यानी पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था दोस्तों आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में डिस्कस किया था आपका, ठीक है ना। तो उसमें देखिए, जैसे हमारा देखिए रेजिस्टेंस होता है, मैंने रेजिस्टेंस पढ़ा था दोस्तों, कि रेजिस्टेंस में हमने कुछ कॉम्बिनेशन पढ़े थे, ठीक है ना। रेजिस्टेंस में कुछ कॉम्बिनेशन पढ़े थे आपका सीरीज और पैरेलल करके, ठीक है ना। सीरीज और पैरेलल क्या पढ़े थे, कॉम्बिनेशन पढ़े थे हमारे, जो हमने बहुत सारे सवाल भी किए थे सीरीज क्रम पे, समांतर क्रम पे, मिक्स ग्रुप पे। तो इसी प्रकार से कुछ हमारे दोस्तों इंडक्टर भी होते हैं और कैपेसिटर होते हैं, जो जिस प्रकार से जुड़ेंगे, तो थोड़ा सा उसमें डिस्कस करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आपका स्टार्ट करते हैं पहला कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से, ठीक है ना। कि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दोस्तों आपका किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। कि कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होगा हम किस प्रकार से उसको हम करेंगे। तो देखिए हमारा पहला कॉम्बिनेशन आता है दोस्तों, हमारा बात करते हैं हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन की, ठीक है ना। वह कैपेसिटर का संयोजन भी दो प्रकार से करेंगे, एक सीरीज तरीके से और मिक्स ग्रुप से, या पैरेलल क्रम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं आपके पहले सीरीज कॉम्बिनेशन से, बात करते हैं आपकी दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन से, कि सीरीज कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होगा। तो देखिए कैपेसिटर है हमारे भाई, कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दीजिए, ये क्या हो गया भाई, कैपेसिटर हमने किस में जोड़ दिया आपका, सीरीज क्रम में जोड़ दिया है, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा C1, C2, C3 डॉट डॉट, ये हमने CN तक भाई ले लिया हमने, ठीक है ना। कहाँ तक ले लिया हमने, CN तक इसको हमने ले लिया, कि CN तक कितने भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से ये हमारी वोल्टेज हो गई, वोल्टेज क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी V1, V2, V3, VN तक, इसको ये क्या हो जाएगी भाई हमारी डिवाइड हो जाएगी वोल्टेज, क्योंकि किस में श्रेणी में है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी हमारी, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V3 डॉट डॉट हो जाएगी। तो कैपेसिटर भाई चार्ज होता है वो क्या रहेगा, Q Q, वो क्या होता है हमारा चार्ज, इसको शो करते हैं इससे आपको क्यू से। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, सी वी होता है, क्यू बराबर क्या होता है हमारा सी इन टू वी, क्यू बराबर क्या होता है सी वी होता है चार्ज बराबर, ठीक है ना। क्यू बराबर क्या होता है सी इन टू वी होता है, धारिता इन टू वोल्टेज होती है। तो वी बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू अपॉन वी, वी बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, तो वी बराबर क्या होता है मेरा क्यू अपॉन सी, वी बराबर क्या हो जाएगा मेरा क्यू अपॉन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए इसमें वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा, तो वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए क्या अपना क्या करना पड़ेगा मुझे, टोटल वोल्टेज निकालने के लिए V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 VN तक, यानी वोल्टेज तो ऐसे फाइंड हो जाएगी हमारी, वोल्टेज से डिवाइड हो चुकी है हमारी। तो वोल्टेज क्या क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगी सीरीज की तरह, जैसे रेजिस्टेंस में होती है। और V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर क्या लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन सी लिख सकता हूँ मैं, V बराबर क्या लिख सकता हूँ क्यू अपॉन सी लिख सकता हूँ मैं, तो क्यू अपॉन सी टी, यानी टोटल बराबर क्यू अपॉन सी वन प्लस क्यू अपॉन सी टू प्लस क्यू अपॉन सी थ्री प्लस डॉट डॉट क्यू अपॉन सी एन तक, इस प्रकार से हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा दोस्तों हमारा, अब क्या होगा हमारा, ये इस प्रकार से हो गया हमारा क्यू बराबर क्यू बराबर सी, यानी इसको लिख दिया क्यू अपॉन सी वन प्लस क्यू अपॉन सी टू प्लस क्यू अपॉन सी थ्री, ठीक है ना। यानी वी बराबर लिख सकता हूँ इसको, ये लिख दीजिए आप, अभी फिलहाल लिया वी बराबर जनरली लिखा था मैंने, तो ये होता है हमारा। तो उसको क्या लिख सकता हूँ, वी अपॉन क्यू, इसको मैं क्या लिखता हूँ दोस्तों यहाँ पर, वी अपॉन क्यू, वी अपॉन क्यू इजिकल टू, ठीक है ना, क्या लिखता हूँ उसको, वी अपॉन क्यू इजिकल टू, इसको क्यू को मान लीजिए बाहर ले जाइए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन अपॉन क्यू वन सी वन मतलब वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री प्लस डॉट 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 वन अपॉन सी एन तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा सी एन, तो वी अपॉन सी को मैं क्या लिखता हूँ दोस्तों, वन अपॉन सी इक्विवेलेंट ये हो जाएगा, तो वन अपॉन कितना बचेगा यहाँ पर, वन अपॉन सी इक्वलेंट बराबर वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री प्लस डॉट 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 वन अपॉन सी एन तक। तो देखिए दोस्तों हमारा जो सीरीज में कॉम्बिनेशन होगा हमारा किसका, कैपेसिटर का, तो वो किस प्रकार से जुड़ेंगे, जिस प्रकार से पैरेलल में हमारे रेजिस्टेंस जुड़ते हैं, ठीक है ना। बस सीरीज का मतलब क्या होता है, कि जो दो एलिमेंट आपस में कनेक्ट हो, तीसरा कोई एलिमेंट कनेक्ट ना हो, बस दो कैपेसिटर आपस में कनेक्ट हो, तीसरा कोई कैपेसिटर कनेक्ट ना हो, तो संयोजन किस में रहेगा, सीरीज में रहेगा। या पहले कैपेसिटर का दूसरा सीधा दूसरे कैपेसिटर के पहले सीरीज से कनेक्ट हो, तो कनेक्शन किस में रहेगा, सीरीज में रहेगा। तो जिस प्रकार से रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में ऐड होते थे, यानी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री करके,
तो ये उल्टे हो जाएंगे। आपको याद रखना है जो कैपेसिटर होता है भाई हमारा, वो उल्टा जुड़ता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। और इंडक्टर जो होता है वो रेजिस्टेंस से सेम ही जुड़ता है, इंडक्टर में और कुछ नहीं होता। जिस प्रकार अगर इंडक्टर सीरीज में लगे होते तो आर वन एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री करके जुड़ते, और रेजिस्टेंस भी कैसे जुड़ते, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री करके ऐड होते। परंतु कैपेसिटर उल्टे तरीके से ऐड होंगे, यानी वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री प्लस डॉट डॉट वन अपॉन सी एन तक होंगे, अगर संयोजन किस में होगा आपका, श्रेणी क्रम में होगा, ठीक है। और इसमें एक और बात, अगर दो रजिस्टर, अगर हमारे दो कैपेसिटर हों, कितने हमारे कैपेसिटर, दो कैपेसिटर हों, यानी एक सी वन एक सी टू, दो कैपेसिटर अगर हमारे हों, तो दो कैपेसिटर के लिए जैसे आपको श्रेणी, उसमें आपको फॉर्मूला बताया था रेजिस्टेंस के लिए, इस प्रकार से करेंगे। यानी सी इक्विवेलेंट, टोटल सी निकालना हो तो सी वन इंटू सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, इस प्रकार से ऐड करके निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या करेंगे देखें दोस्तों, आपको ऐड कर लेंगे और आपका आंसर इसमें निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना है आप लोगों को इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉम्बिनेशन पर, अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, ठीक है ना। आगे बात करते हैं आपके, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा समांतर कॉम्बिनेशन, यानी समांतर संयोजन हमारा होगा किसका, कैपेसिटर का, ठीक है। तो भाई समांतर संयोजन होगा तो जोड़ लेते हैं कैपेसिटर को पहले, सी वन सी टू सी थ्री और ये सी एन तक हो गया भाई। अब चार्ज होगा हमारा कि जैसे करंट हमारा डिवाइड होता है तो चीज डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर क्यू वन चार्ज होगा, क्यू टू चार्ज होगा, क्यू थ्री चार्ज होगा और यहाँ पर क्यू एन चार्ज होगा, ठीक है ना भाई। जिस प्रकार से हमें कैपेसिटर, कैपेसिटर वन, कैपेसिटर टू, कैपेसिटर थ्री, कैपेसिटर फोर, यानी अक्रॉस का जोड़ा कैसा होता है, दोनों दोनों सीधे आपस में क्या होते हैं, दोनों कैपेसिटर के आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे कि समांतर में हमारे रेजिस्टेंस ऐड होते, रेजिस्टेंस के होते थे, ठीक है ना। यानी कम उसमें समांतर में क्या होता है, हमारे दोनों एलिमेंट के दोनों सिरे क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, वो क्या होता है हमारा समांतर संयोजन, यानी पैरेलल संयोजन मेरा कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना। अब आपको पता है क्यू बराबर क्या होता है, सी वी होता है भाई, क्यू बराबर क्या होता है, सी इंटू वी के होता है, क्या होता है, क्यू बराबर सी इंटू वी के होता है, यानी वोल्टेज तो सब में ये रहेगी, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या लिखूंगा दोस्तों, चार्ज जो टोटल जो मेरा 400 डिवाइड होगा तो चार्ज कैसे होगा मेरा, टोटल क्यू बराबर क्या होगा, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस डॉट 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 क्यू एन तक, ठीक है ना। और क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं दोस्तों, क्यू बराबर होता है सी वी होता है, क्यू बराबर क्या होता है सी वी होता है, तो मैं क्यू टी बराबर क्या लिखता हूँ, सी वी या सी वन वी वन लिख सकता हूँ, ठीक है ना। सी वन वी प्लस सी टू वी प्लस सी थ्री वी प्लस डॉट 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 सी एन वी, इस प्रकार से आ जाएगा हमारा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, क्यू अपॉन, इसको यहाँ पे ले आएंगे तो क्यू अपॉन वी हो जाएगा, वी को मैं लेके बाहर निकाल तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन वी बराबर क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस डॉट 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 कहाँ तक, सी एन तक, ठीक है ना भाई। क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्यू अपॉन सी, क्या होता है हमारा, क्या होता है सी बराबर क्यू अपॉन वी होता है हमारा, मैं लिख सकता हूँ क्या धारिता होती है हमारी, तो धारिता क्या हो जाएगा, तो टोटल लिख सकता हूँ मैं क्यू इक्विवेलेंट बराबर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस डॉट 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 सी एन तक। तो देखिए दोस्तों, अगर समांतर क्रम में आपके कैपेसिटर संयोजित होंगे तो उसमें इस प्रकार का फॉर्मूला हमारा लगेगा, यानी रेजिस्टेंस में जो हमारा पैरेलल में कनेक्ट होते थे रेजिस्टेंस, तो उसमें फॉर्मूला क्या लगता था, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। परंतु कैपेसिटर अगर हमारे समांतर में होंगे तो उसमें सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा, जैसे हमारा रेजिस्टेंस में लगता था आर वन प्लस आर टू करके, तो उसमें आर वन प्लस आर टू, उसमें सी वन प्लस सी टू हो जाएगा, उसमें कैपेसिटर है हमारा, बस में कैपेसिटर है हमारा, तो क्या होगा, कैपेसिटर वाला लगेगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इतना आप याद रखना कि रेजिस्टेंस के हमेशा अपोजिट क्रम में जुड़ता है, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो कैपेसिटर अगर हमारा जुड़ा होगा सीरीज में तो वो पैरेलल की तरह जुड़ेगा, और अगर कैपेसिटर हमारे पैरेलल में जुड़े हैं तो वो सीरीज की तरह जुड़ेगा, जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ता है, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसमें कुछ सवाल करके देखते हैं दोस्तों आपका, कि इस पर सवाल किस प्रकार से आपसे आते हैं, आपसे सवाल को पूछा जा सकता है। चलिए ये क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों, इस पे
बस आपको याद रखना है दोस्तों, कैपेसिटर जो होता है आपका रेजिस्टेंस के विपरीत तरीके से जुड़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि तीन संधारित्रों की कुल धारिता ज्ञात करो, कितने से दोस्तों, तीन कैपेसिटर की कुल धारिता, यानी कैपेसिटेंस, कुल धारिता को बोलते हैं टोटल कैपेसिटेंस। कुल धारिता क्या करनी है ज्ञात करें, क्या क्या दिया है इसमें, यदि वे सीरीज में और समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, यदि किसी में आपके सीरीज में व समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है दोस्तों आपकी, 50 माइक्रोफेरेड है, ठीक है ना। यदि भी किस में जुड़े हों, सीरीज में जुड़े हों व किस में जुड़े हों आपके, पैरेलल में जुड़े हों, सीरीज में जुड़े हों व पैरेलल में जुड़े हों, प्रत्येक की वैल्यू कितनी है आपकी, 50 फेरेड। कितने दोस्त की वैल्यू प्रत्येक की, 50 फेरेड हो, ठीक है ना, कितनी आपकी, 50 फेरेड हो, तो प्रत्येक की प्रत्येक संधारित्र धारिता 50 फेरेड है, तो उन्होंने देखे निकालिए, तो इसमें टोटल निकालना है धारिता को, क्या करना है दोस्तों, कैलकुलेट करना है, फेरेड दी है या इसको दीजिए माइक्रो फेरेड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है ना, 50 माइक्रो फेरेड दी है मान लो उसने भाई। तीन कैपेसिटर की टोटल की धारिता याद करें, सीरीज और पैरेलल में जोड़े गए हो, प्रत्येक और प्रत्येक की वैल्यू कितनी है आपकी, 50 माइक्रोफेरेड दी है, यानी क्या करना है दोस्तों, तीन संधारित्र की कुल धारिता ज्ञात करो। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा दोस्तों, आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन है हमारा कि तीन संधारित्र की कुल धारिता ज्ञात करो, यदि वे माला क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं व समांतर में जोड़े जाते हैं, प्रत्येक संधारित्र की धारिता 50 माइक्रोफेरेड है, तो टोटल धारिता क्या होगी। तो देखिए जब सीरीज की बात आती है, पहले बात आती है सीरीज की, फिर बात करेंगे पैरेलल की, तो पहले सीरीज की बात करते हैं, सीरीज में कैसे जुड़ेंगे भाई, वन अपॉन सी टी बराबर वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। सीरीज में उल्टा फॉर्मूला लगेगा भाई, सीरीज में बताया था कि रेजिस्टेंस का अपोजिट जुड़ता है, अभी सीरीज में फॉर्मूला निकाला तो कैसे निकला था हमारा, वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, वैल्यू क्या है हमारी, 1/50 अपॉन 1/50 अपॉन 1/50, तो वैल्यू सेम है, एलसीएम भी आ जाएगा भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम सेम 50 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, ये सम वन वन में जाएगा तो 1 + 1 + 3 तो कितना आएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी 1/c2 बराबर कितना हो गया भाई हमारा, 3/50 हो गया, तो टोटल सी कैपेसिटेंस बराबर क्या हो जाएगा, 50/3, क्या हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा, कितनी बार चलेगा, 16 बार चलेगा, 16 3 48 16.6 और फिर चला कितना, 6, यानी इतनी बार चल जाएगा हमारा, तो कितना आ गया कैपेसिटर की वैल्यू, कितनी आ गई भाई हमारी, 16.66 माइक्रोफेरेड निकल कर आ गई, तो कितनी आ गई दोस्तों सीरीज में हमारी, कितनी निकल कर आ गई, 16.66 माइक्रोफेरेड आ गया निकल के हमारा, यानी जो धारिता हमारी निकल गई कितनी आई, 16.66 माइक्रोफेरेड निकल कर आ गई। अब उसमें क्या है दोस्तों, किस में जोड़ा है हमारा, पैरेलल में जोड़े हैं, अब किस में जोड़ना है, समांतर में जोड़ना है, तो समांतर में कितनी आ जाएगी भाई, समांतर में फॉर्मूला क्या होता है, C1 C2 + C3, यानी टोटल कैपेसिटेंस बराबर ये हो जाएगा, तो 50 + 50 + 50, तो टोटल सी टी बराबर कितना आ जाएगा, 150 माइक्रोफेरेड। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से सवाल आपका पूछा जा सकता है, इस प्रकार से सवाल आपका पेपर में आता है। तो देखिए दोस्तों सीरीज में कितनी वैल्यू आ जाएगी, सीरीज में अगर जोड़ेंगे तो सीरीज में जो फॉर्मूला लगता है 1/c वाला लगता है, ये सीरीज के लिए हो गया हमारा, तो सीरीज के लिए कितना धारिता आ रही थी इसकी, 16.66 माइक्रोफेरेड आ रही थी तीनों को जोड़ने पर, और समांतर में जोड़ेंगे तो क्या, समांतर में पैरेलल में क्या आ रहा है हमारा, पैरेलल में निकल कर आ रहा है हमारा दोस्तों 150 माइक्रोफेरेड, उसी कैपेसिटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी दोस्तों, समांतर में हो जाएगी हमारी कितनी, 150 माइक्रोफेरेड, और सीरीज क्रम में हो जाएगी हमारी 16.66 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों आपका जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है दोस्तों आपसे इसमें, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों कि जिस सिंपल क्वेश्चन से आते हैं, कोई हैवी क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपसे और किस प्रकार से पूछ सकता है। बस आप लोगों को याद रखना है कि कैपेसिटर जुड़ते हैं रेजिस्टेंस के अपोजिट, रेजिस्टेंस के अपोजिट क्रम में जुड़ते हैं, ठीक है ना, आपको याद रखना है। यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए, सिंपल क्वेश्चन कोई पूछ ले आपसे, ये 4 फेरेड, ये भी 4 फेरेड है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो टोटल पूछ लिया आपसे, टोटल ए बी कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा ए और बी के बीच में, पॉइंट के बीच में, तो भाई देखिए सीरीज में जुड़े हैं, किस में जुड़े हैं आपके, सीरीज में जुड़े हैं, जब सीरीज में जुड़े हैं ये तो समांतर वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, यानी फॉर्मूला क्या होता है, 1/c1 + 1/c2, ये फॉर्मूला होगा, तो मैंने बताया था आपको सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस हो तो क्या करो, डायरेक्ट या तो आधा कर दो, डायरेक्ट आधा कितना हो जाएगा, 2 फेरेड हो जाएगा, आधा नहीं करना चाहते ऐसे लगाना चाहते हो
तो मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था कि सी को लेन टोटल बराबर निकलना हो तो सी वन इंटू सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू कर देंगे। तो लगा के देख लीजिए, सी वन के लिए चार है इंटू चार है अपॉन चार प्लस चार है, तो कितना है चार चौक को सोलह और अपॉन आठ, तो कितना आ जाएगा दो आ जाएगा, तो दो फैरड। तो या तो आप इस प्रकार से हल कर दीजिए या आप इस प्रकार से हल कर दीजिए, आंसर वही आना है। आपको बताया अगर सेम वैल्यू के आपके सेम वैल्यू दी हुई आपके और सेम वैल्यू आपको पैरेलल में जोड़ना पड़ जाए इस प्रकार से, बस सीधे में जोड़ेंगे तो पैरेलल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्ट आधी हो जाएगी। इस प्रकार से हल कर लीजिए चाहे इस प्रकार से हल कर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है ना। अगले देख लेते हैं और क्या पूछ सकता है आपसे। यही ऐसे ना देकर इस प्रकार से दे दें, ये पॉइंट है ये बी है, तो सी को लेंथ पूछ लेगा आपका किसमें ए बी के बीच में, टोटल सी ए बी कितना होगा। तो भाई ये इसकी 10 दे दी मान लो और ये कितनी दी 10 दे दी, तो ये कैसे जुड़ते हैं हमारे सी वन प्लस सी टू जुड़ेंगे, तो 10 प्लस 10 कितना होगा भाई 20 हो जाएगा, तो 20 फैरड क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जनरल से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बस आप लोगों क्या करना है तरीका पता होना चाहिए, कोई भी सवाल आप हल कर देंगे इसमें, ठीक है ना। इससे बाहर कोई नहीं पूछता, सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों से, बस आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से ऐड हमारे होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम एक सवाल और करके देख लेते हैं इस पे। एक सवाल है दोस्तों हमारा, टोटल सी इक्विवेलेंट निकालना भाई, कितने निकालना है टोटल सीक्वेंस निकालना है, और ये वैल्यू भी दी है हमारी, ये भी दो दो ही दी है भाई, ये भी क्या दिया इसने टू टू दी हुई है, तो इससे कैसे हल करेंगे भाई। हल करने के लिए सबसे पहले बताया था आपको जहाँ पर भी सवाल इजी करो वहाँ पर हल करेंगे, तो ये दोनों किस में है भाई समांतर में है, समांतर में है तो ऐड हो जाएंगे क्योंकि कैपेसिटर हैं ये, तो दौड़ दो कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, तो इनकी जगह हटा के एक वैल्यू का रेजिस्टेंस वो लगा देंगे कैपेसिटर, जिसके लिए कितनी होगी भाई आपकी चार हो जाएगी, जिसके लिए कितनी रहेगी हमारी चार रहेगी, जिसके लिए कितनी होगी आपकी चार फैरड हो गई, ठीक है। अब हमारा सवाल किस में आ गया पूरा श्रेणी क्रम में आ गया, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या था वन अपॉन सी वन वन अपॉन सी टू वन अपॉन सी थ्री, तो वन अपॉन टू वन अपॉन फोर वन अपॉन टू, तो इस प्रकार से आ जाएगा भाई 1.2, 1.4 और 1.2 आ जाएगा, ठीक है ना। बस सीरीज में इस प्रकार से होता है हमारा, तो फॉर्मूला ये लग जाएगा हमारा ये वाला। तो इसमें क्या करेंगे भाई, अब एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, चार एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा चार आ जाएगा, दो दूना चार प्लस चार एकम चार दो दूना चार, तो कितना आ जाएगा भाई क्या आ जाएगा मेरा दो और एक तीन और दो पाँच, पाँच बटे चार, कितना आ जाएगा पाँच बटे चार है तो पाँच बटे चार फैरड लिख दीजिए आप डायरेक्ट, या इसको क्या लिख सकते हैं 1.25 फैरड लिख सकते हैं, या तो आप लिख लीजिए डायरेक्ट 5/4 फैरड लिख दीजिए, या इसको डिवाइड कर दीजिए चार एकम चार पॉइंट लगी जीरो बड़ी चार दुनी आठ, तो कितना आ जाएगा 1.25 फैरड आ जाएगा, या तो आप इतना रह दीजिए या कितना लिख दीजिए 1.25 फैरड, जितना आप लिख सकते हैं, जो भी आप डिवाइड करना चाहे डिवाइड करके लिख दीजिए चाहे इतना ही आप लिख दीजिए, जो भी आपके ऑप्शन में हो आंसर में आपका जो वो आंसर आपको दिया हो उसमें आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन हल हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका इंडक्टेंस, आपका जो इंडक्टर आता है दोस्तों, इंडक्टर को शो किससे करते हैं, एल से शो करते हैं, कैपेसिटर को शो किससे करते हैं आप सी से करते हैं भाई, सिंबल किस प्रकार का होता है इस पर इंडक्टर इस प्रकार से बनाते हैं। तो इंडक्टर में आपको बता देता हूँ डायरेक्टली क्या होता है इंडक्टर में, इंडक्टर में अगर बात करूँ मैं सीरीज की कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूँ टोटल निकालना होगा एल वन एल टू प्लस एल थ्री प्लस डॉट डॉट एल एन तक निकल जाएगा, जैसे कि रेजिस्टेंस होता है भाई, जैसा रेजिस्टेंस होता है कैपेसिटर, इसलिए होता है कैपेसिटर अपोजिट जुड़ता है इसलिए होता है। इंडक्टर में क्या होता है पैरेलल में अगर होगा, पैरेलल में अगर होगा तो किससे जुड़ेगा 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3
प्लस डॉट डॉट वन अपॉन एल एन तक, तो यही रहता है यानी ये रेजिस्टेंस की तरह ऐड होगा हमारा। ये किसकी तरह ऐड होगा हमारा, ये भाई होगा हमारा रेजिस्टेंस की तरह ही ऐड होता है, ठीक है ना, इसमें और कुछ नहीं होता है। कोई भी सवाल कर लीजिए, अगर सिंपल सा सवाल इसमें आ जाता है, अगर हमारा सवाल आ गया हमारा इस प्रकार से आ गया, भाई ये 10 हेनरी का है, ये भी 10 हेनरी का है, टोटल उसने आपसे पूछ लिया कि टोटल इंडक्टेंस वैल्यू निकालो, तो भाई सीरीज की तरह सीरीज में ऐड होगा एल वन प्लस एल टू, ये एल वन है ये एल टू है, ऐड कर दो 10 और 10 कितना होगा 20 हेनरी, तो टोटल आंसर कितना आ गया आपका 20 हेनरी आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आ जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट कर दे चाहे सीरीज में कनेक्ट कर दे, जैसे आपको रेजिस्टेंस से सवाल करवाए थे उसी हिसाब से इसमें क्या होते हैं आपके सवाल होते हैं भाई। अगर ये इस प्रकार से ये जुड़ा है, हमारे इंडक्टर जुड़े हैं, कितने भी जोड़ दें भाई, ये 3 जोड़ दिए, इसके लिए लिख दिया हमने 100, इसके लिए लिख दिया हमने कितनी भाई 100, और इसके लिए लिख दिया हमने भाई 50। सब हेनरी में होते हैं, ये सब किस में होते हैं, हेनरी में होते हैं, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, तो इसमें निकालना है एल ए बी निकालना है, टोटल इंडक्टेंस निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच में। तो 3 दिए हैं, ये एल वन है ये एल टू है ये एल थ्री है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा मेरा, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, जैसे समांतर में ऐड होते हैं रेजिस्टेंस, तो जो सेम वैल्यू के होते हैं क्या करना पड़ेगा, आपको बताया था सेम वैल्यू है भाई 100 100, तो 50 कर दो डायरेक्ट, 100 100 कितना ज़्यादा हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, 50 हेनरी हो जाएगा, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे हटा देंगे तो एक ही रेजिस्टेंस बचेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 50 हेनरी होगी। अब ये 50 और ये 50 ये भी समांतर में है तो ये भी क्या हो जाएंगे आधे हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा आपका निकल कर 25 हेनरी। तो इस प्रकार से दोस्तों सवाल होते हैं बहुत ही सिंपल तरीके, जिस प्रकार से रेजिस्टेंस कराए थे आपको, ठीक है ना। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेजिस्टेंस मेकर जो आप आजकल जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, जो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा था वो आपको कराता हूँ मैं रेजिस्टेंस पे सवाल कुछ, ठीक है ना। तो ये हमारा इंडक्टर का कॉम्बिनेशन हो जाता है और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है बस, यूनिट सबकी आपको पता होनी चाहिए, मेन रोल होता है आपका यूनिट का दोस्तों, ठीक है ना। यूनिट्स सबको पता होनी चाहिए, बेसिक यूनिट जो होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स आपको याद करनी है सबकी, इंडक्टर की क्या होती है, कैपेसिटर की क्या होती है, वोल्टेज की, इंपीडेंस की, करंट की, पावर फैक्टर, सबकी यूनिट जिस जिसकी यूनिट होती है आपको याद करनी है सबकी, ठीक है ना, याद रखना आपको इतना। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आपका रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज के टाइम में, ये देखिए ये रेजिस्टेंस ये क्वेश्चन दिया है हमें, 8 ओम के हैं, तीनों कितने ओम के हैं भाई 8 ओम के हैं। इसमें क्या किया है इन्होंने, यहाँ से एक वायर उठाया, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, और एक यहाँ से वायर उठाया है कि यहाँ पर इसने कनेक्ट कर दिया, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, तो इनके बीच में आर ए बी कितना होगा, यानी इक्वलेंट कितना होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लोगों को इनकी वैल्यू लिख दीजिए, वैल्यू का मतलब इनका नाम लिख दीजिए पॉइंट पर, जहाँ पर आपको पॉइंट बचे हुए हैं भाई, ये पॉइंट है ए पॉइंट, और यहाँ से जुड़ के यहाँ पे जुड़ा है तो मैं उसको लिख देता हूँ डी पॉइंट, मान लिया, अपनी इच्छा से मान सकता हूँ, कुछ भी मान सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो मान लीजिए। यहाँ से कनेक्ट क्वेश्चन हमारा निकला वायर है, यहाँ पे कनेक्ट हुआ, यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको सी मान लीजिए, ठीक है भाई। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब इसमें क्या करना है, देखिए जो ए वायर है हमारा यहाँ से स्टार्ट है यहाँ पे ख़त्म है, इसमें कोई एलिमेंट तो बीच में कनेक्ट नहीं है, तो ए और डी एक जगह मान सकता हूँ कि एक ही जगह कनेक्ट है, तो मैंने एक जगह ले लिया इसको ए और डी एक जगह है भाई, कोई एलिमेंट कनेक्ट तो नहीं है, रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है ना, तो इसको मैं एक ही मान सकता हूँ ए और डी को, एक जगह ले लिया मैंने, ए भी इसको ले लिया, डी भी, एक ही लाइन है पूरी मेरी, मेरी क्या है पूरी ए और डी की एक ही लाइन है तो ले लिया। इसी प्रकार से बी और सी मेरी क्या है एक ही लाइन है, ये भी क्या है मेरी एक ही लाइन है, क्योंकि भाई कोई रेजिस्टेंस ही कनेक्ट नहीं है, तो इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, इसको लिख दीजिए आप, इसको बी लिख दिया मैंने और इसको सी लिख दिया मैंने, तो कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं, तो भाई सिंपल है, मैंने इसको ए और डी लिख दिया और उसको मैंने सी और बी लिख दिया जैसे इस पर नाम लिखा हुआ था भाई, एक ही लाइन है तो इसको दे दिया कि वो भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि दूसरा एलिमेंट कोई कनेक्ट है ही नहीं, तो नहीं है तो एक ही ले लिया। उसके बाद क्या है, ए से सी तक एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इसकी वैल्यू आर ओम, ए से शुरू है और सी पर कनेक्ट है, ए ये रहा यानी ए से यहीं से शुरू है, यहीं से शुरू हो गया, एक ही लाइन है भाई ये, यहाँ से शुरू हुआ और सी ये रहा, कहाँ तक एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है जिसकी वैल्यू कितनी है भाई आर है। इसी प्रकार से सी से शुरू है और डी पे ख़त्म है जिसकी वैल्यू आर एक रेजिस्टेंस है, भाई देखिए सी से डी तक एक रेजिस्टेंस हो रहा है, सी एरा डी एरा एक रेजिस्टेंस हो रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर चला गया सी पर, जिसकी वैल्यू कितनी है भाई इसकी भी आर है,
और इसी प्रकार से डी से लेकर बी पर भी एक क्या रेजिस्टेंस है आपका, यानी ये डी है और ये बी है, ये की लाइन है हमारी, तो इस पर भी क्या कनेक्ट है हमारा, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है भाई, जिसकी वैल्यू कितनी है आर है। बस आपको कुछ नहीं करना है, अब आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई हमें, अब हमें मिल गई तीनों की वैल्यू क्या है भाई, आर आ रहा है, तो आर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आर बाई थ्री हो जाएगा, तीन रेजिस्टेंस है तो यही हो जाएगा दोस्तों, मेरा आंसर इसमें हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आर बाई थ्री हो जाएगा। अगर इसकी कुछ वैल्यू दी होती, अगर इसकी कुछ वैल्यू दी होती, मान सपोज करो इसकी वैल्यू दी है हमें 200, इसकी वैल्यू भी दी है हमें कितनी 200 दी होती, और इसकी वैल्यू दी होती दोस्तों हमें 100 दी होती, तो वैल्यू लिख देते हैं, इसकी वैल्यू हमें 200 दी है, इसकी वैल्यू भी 200 दी है, और इसकी वैल्यू क्या दी है हमें 100 दी है, तो जब श्रेणी जब समांतर क्रम बढ़ गया था तो 100 और 100 कितना हो गया, आधा कर दो 100 हो गया, और 100 और 100 फिर आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आती इसकी 50 ओम हो जाती, फिर कितना निकल के आता रहे भी 50 ओम आता, तो जितनी वैल्यू देगा इस प्रकार से हल कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है इसमें नाम को लिखना है और जिस जिस प्रकार से आपको दिया है उस प्रकार से उसमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसका जरूर याद रखना है आप लोगों को, इसलिए मैंने आप लोगों को इसमें बीच में सवाल करा दिया, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस मैंने आपको ये सवाल शायद नहीं करवाया था, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और पैटर्न क्वेश्चन आता है आज के टाइम में जो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन यही रहेगा, बस थोड़ा सा बदलाव है बस दोस्तों, इसमें थोड़ा सा क्या कराया उन्होंने, बदलाव किया है, रेजिस्टेंस ऐसे थे और यहाँ से जो यहाँ पर ये वायर कनेक्ट था बस इसमें एक रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया है भाई लोग, और कुछ नहीं करा है, वही बी पॉइंट ये है और यही ए पॉइंट है, वहाँ पर ये सिंपल वायर था, यहाँ पर सिंपल वायर नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, जब यहाँ पर रेजिस्टेंस को जोड़ दिया तो अब यहाँ पर जो डी पॉइंट लिया था मैंने, यहाँ पर सी लिया था, अब मैं ए और डी को एक साथ नहीं लूँगा, क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस कनेक्ट है, सबकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें आर दी हुई है, सबकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें भाई आर दी हुई है, तो जब प्रत्येक की वैल्यू सेम है, प्रत्येक वैल्यू सेम दी है हमें, और यहाँ से ए और डी को मैं एक साथ नहीं लूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट डी लिया था, इस प्रकार से मैं नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है, अब सब पॉइंट को अलग अलग लेना पड़ेगा, सब पॉइंट को क्या लेना पड़ेगा, अलग अलग लेना पड़ेगा, शुरुआत करने के लिए पहले ए से शुरू कर दीजिए, एक तरफ बी से, तो एक तरफ भाई ए ले लीजिए, ये पॉइंट ए हो गया मेरा, और एक पॉइंट क्या हो गया मेरा बी हो गया, ये क्या हो गया मेरा बी पॉइंट हो गया, अब क्या करना है, ए से ए और सी का ही पॉइंट है, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो कहीं भी सी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे सी पॉइंट ले लेता हूँ, जिसके लिए क्या है सी पॉइंट हो गया, ए से और सी तक एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है जिसकी वैल्यू आर ओम का है, तो ए से सी तक कनेक्ट कर देते हैं भाई एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या है आर ओम है, कर दिया मैंने कनेक्ट आर ओम का, और ए से लेकर डी पर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इसकी वैल्यू क्या है आर ओम है, ए से स्टार्ट है और डी पर कनेक्ट है, तो कहीं डी पॉइंट ले लेते हैं, डी पॉइंट भाई यहाँ पे ले लेते हैं, ये मेरा डी पॉइंट हो गया, और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है उसकी वैल्यू कितनी है आर है, तो इसको भी कनेक्ट कर दिया भाई, इसकी वैल्यू क्या है आर हो गया, यानी मेरा ए से पॉइंट ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, अब मैं लेता हूँ मेरा सी से डी तक एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है जिसकी वैल्यू कितनी है आर है, तो सी से डी का सी एरा डी एरा, तो इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, इसकी वैल्यू भी कितनी आर है, तो ये भी क्लियर हो गया, अब मेरा है आपका C से लेकर B पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है जिसके लिए कितनी आ रहा है, तो इसको भी क्लियर कर देते हैं, C से B तक, C से B तक कनेक्ट क्लियर कर देते हैं थोड़ा, तो ये भी क्लियर हो जाएगा हमारा, तो इसके लिए कितनी भाई, ये भी क्लियर हो गया, अब मेरा बचा D से लेकर B तक, D से लेकर B तक जिसकी वैल्यू कितनी आ रहा है, तो ये भी कनेक्ट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, सारे क्लियर हो गए हमारे, तो देखिए दोस्तों इसके लिए कितनी आ रहा है, अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ठीक है ना, अब इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, अब इसमें इसको कैसे हल करेंगे हम, इसमें क्या होगा देखिए, अब ये जो कंडीशन आती है, कुछ कंडीशन ब्रिज बन रही होगी आपके, व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप, यानी ब्रिज कंडीशन आती है, कुछ आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा हो तो पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस, तो जब ये कंडीशन होती है, जब ये भार और रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, तो मेरा ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा, कंडीशन किसकी आ गई, बैलेंस की आ जाएगी, कंडीशन किसकी आ जाएगी, बैलेंस की कंडीशन आ जाएगी, और जब बैलेंस ब्रिज मेरा हो जाता है, जब बैलेंस ब्रिज मेरा हो जाएगा, जब ये वैल्यू, जब सारी वैल्यू सेम होगी, जब बाहर की वैल्यू सारी वैल्यू सेम होगी दोस्तों, तो ये जो अंदर का रेजिस्टेंस है ओपन हो जाएगा, यानी इसमें कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी, जब कोई करंट प्रवाहित कब नहीं होगी, जब ये सर्किट हो जाएगा मेरा ओपन सर्किट, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा ये ओपन सर्किट हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा ओपन सर्किट हो जाएगा, और जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, जब कोई, अगर आप यहाँ से करंट डिवाइड करें तो ये आई करंट यहाँ जाएगी और ये इसमें भी जाएगी, इसी प्रकार से यहाँ करंट जाएगी, वो इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, तो ये दोनों देखिए, ये दोनों और ये दोनों किस में आ गए आपके
सीरीज में आ गए, किस में आ गए दोस्तों आपके, सीरीज में आ चुके। अब जब ये दोनों सीरीज में आ चुके भाई, तो ये किस में ऐड हो जाएंगे, सीरीज की तरह ऐड हो जाएंगे, यानी आर और आर टू आर, यानी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आर और आर टू आर हो गए, टू आर। इसी प्रकार से ये नीचे वाले आर और आर टू आर, ये कितना हो गए भाई, टू आर हो गए, ठीक है ना, क्या हो गए ये टू आर हो चुके। अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं जाएगा सवाल में, अब क्या हो गया दोस्तों हमारा, अब इसमें आंसर क्या आ गया मेरा, बस टू आर और टू आर कितना आ जाएगा मेरा, वन आर, यानी आर आ जाएगा, सिंपल लिख सकता हूँ, आर लिख सकता हूँ, तो आर और टू आर अपॉन टू आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा डायरेक्टली हमारा, तो कितना हो गया आर ए बी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों मेरी, जिसे मेरा निकल गया आर, तो आंसर कितना रहेगा मेरा दोस्तों, आर रहेगा, क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, आर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा, आर आंसर हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी करके देख लीजिए, सवाल किसी भी प्रकार से निकल जाएगा, वैल्यू पुट अप कर दीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दीजिए, वैल्यू पुट अप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बैलेंस ब्रिज हो जाएगा आज में, बैलेंस ब्रिज होती है ओपन हो जाएगा, ओपन जाएगा कोई करंट नहीं फल होगी, इस प्रकार से क्या कर देंगे आप हल कर देंगे, कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिए उसका आंसर निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर इसका आंसर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप वैल्यू को पुट करके देखना और उसका आंसर निकाल के देखिए दोस्तों, अगर आंसर नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बताना, मैं आज सवाल को फिर पुनः करा दूंगा दोस्तों आपका, ठीक है ना। और मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप, ठीक है। और इस चीज़ को सवाल अप्लाई करके देखिए, जो आपकी बुक्स में सवाल दिए हैं कुछ आप उसको अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। और अगर हमारी वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।